मैजिकल थ्रेस में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये बड़े गोपाल जी की चोली बनाएंगे। चोली की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है, देखिए। और चोली में मैंने टोटल 12 रो बनाई है। 8 रो बनाने के बाद हमने आर्म होल बनाया है, 4 बाद में बनाई है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, 12। अगर आपको ये कम या ज़्यादा लगे तो आप एक कम या ज़्यादा रो बना सकते हैं। ये चोली मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पर बनाई है, मुझे उन्होंने मेजरमेंट सेंड की थी उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। लेकिन अगर आपको ये जैसे मैंने 15 नंबर के लिए बनाई है, देखिए 5.5 है और यहाँ पर देखिए 6। तो अगर आपको ये चोली, मान लीजिए आपके पास 15 नंबर गोपाल जी हैं, ये आप कान्हा जी को बना के पहना के देखते हैं आपको लूज़ लगे, तो आप 14 नंबर की चोली मेरे चैनल से देख कर बना लें, फिर वो ठीक आएगी। बस आपने इतना करना है, चोली बनाने के बाद घेरा बनाने से पहले, चोली बनाने के बाद आपने कान्हा जी को चोली पहना के देखनी है, चोली ठीक आती है तो फिर आप बाद में घेरा बनाएं, नहीं तो आप 14 नंबर की बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, और साथ में देखिए 3 प्लाई की वूल ली है। और जिसके भी पास 15 नंबर गोपाल जी हैं, वो चोली बना के कान्हा जी को पहना के देखिए ठीक आती है, तो एक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि ये चोली 15 नंबर कान्हा जी को ठीक आई है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जो भी चीज़ें बनाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर, कान्हा जी की ड्रेस या जैकेट वगैरह, तो आप चाहे तो उसकी पिक मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 35 मैंने चेन ली है, 35 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर आप थंब रख लें। इसके बाद एक दो तीन चेन मैंने और लिए, यही वाले 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया किया मैंने, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दो, फिर नेक्स्ट में तीन, फिर नेक्स्ट में 4, इस तरह से हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में देखिए मैंने 35 चेन ली है, 35, तो 35 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और शुरू में यहाँ पर 3 चेन मैंने और ली हैं रो स्टार्ट करने के लिए, इस 3 के चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में यहाँ पर मेरे पास 36 डबल क्रोशिया होंगे, 36 रो देखिए कंप्लीट हो गई, काउंट कर लें आप। ये देखिए ये 5 है हमारे पास, फर्स्ट वाली जो 3 की चेन है उसे भी काउंट करना है हमने। एक दो तीन चार पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 36, 36 हो गए। इसके बाद देखिए 3 चेन लिए हमने, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली चेन में हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर एक बनाया, एक और बना लेंगे। सेकंड चेन है जो हमारी, इसमें हमने 2 बनाए हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट चेन है इसके ऊपर हमने सिर्फ 3 की चेन बनाई है जिसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो फर्स्ट में हमने एक बनाया, इसके बाद जितने भी बनाएंगे सभी में 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। कंप्लीट करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई, हर चेन में मैंने 2-2 डबल क्रोशे किए हैं। लास्ट में हम ये जो 3 की चेन है इसमें हम एक बार बनाएंगे। तो अब आप देखिए फर्स्ट रो में मेरे पास 36 डबल क्रोशे थे, 36, 36 में से जो सेंटर वाले यहाँ पर 34 डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर मैंने सेकंड रो में 2-2 बनाए हैं, तो 34 का डबल हो गया 68, 68। और एक हमने यहाँ पर बनाया है, एक हमने यहाँ पर बनाया है स्टार्ट में, तो ये सेकंड रो में मेरे पास 70 डबल क्रोशे हैं, 70। 3 चेन लिए हमने,
इसके बाद देखिए फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गए मेरे पास। इसके बाद हमने इंक्रीज़ करना है, एक बनाया इसी जगह फिर से बनाएंगे, तो ये हमने एक इंक्रीज़ किया। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। 11 बार मैंने अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया किया, 12वीं चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया इसी जगह फिर से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12वीं में इंक्रीज़ किया है। इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे, हर चेन में हम एक एक बनाएंगे और 12वीं में हम 11 बार एक एक बनाएंगे, 12वीं में 2 बनाएंगे। रो के लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर मैंने लास्ट लास्ट डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 बार हमने अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया किया, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये 76 है, 76। 3 चेन लिए, देखिए स्टार्ट वाली में नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें हमारी 3 की चेन आती है, नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए 5 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया, 4 डबल क्रोशिया और 1 3 की चेन है, तो 5 हो गए। इसके बाद 6 में हम 2 बनाएंगे, एक बनाया एक और। थर्ड रो में हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं, 6 हमने इस रो में इंक्रीज़ करने हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 76 थे थर्ड रो में, तो अब ये यहाँ पर 82 हो जाएंगे 82 फोर्थ रो में। तो अब देखिए इसके बाद हमने एक बार, ये दो तीन चार पाँच अलग अलग में बनाते जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार मैंने अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, एक बनाया एक और बनाएंगे। 13वीं चेन में मैंने 13th चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। ये देखिए काउंट करें, देखिए यहाँ पर 2 है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद इंक्रीज़ किया, तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। 12 बार हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 13th चेन में हम 2 बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 बार हमने एंड में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। शुरू में देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने स्टार्ट में किया था एक एक डबल क्रोशिया, उसके बाद इंक्रीज़ है। फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैंने इंक्रीज़ किया है, एक बनाया सेम में फिर से बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 अलग अलग चेन में बनाते जाएंगे, 7 8 9
नौ, 10, 11, 12, 13। 13 बार मैंने अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर मैं दो बनाऊँगी, सेम में फिर से बनाए। 14th चेन में मैंने दो डबल क्रोशिया किए, 14वीं चेन में। देखिए काउंट करें, यहाँ पर दो बनाए हैं। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसके बाद वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 13 बार हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और 14वीं चेन में हम दो बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार मैंने एंड में एक एक डबल क्रोशिया किया है और शुरू में मैंने 5 बार किया था, 1 2 3 4 5। उसके बाद इंक्रीज़ है, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 मेरी रो कंप्लीट हो गई। 5th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास 88 डबल क्रोशिया हैं, 88। 6 हम यहाँ पर और इंक्रीज़ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मैंने एक एक बनाया। 7th में हम दो बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब एक बनाया, ये दो बनाया, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है। इसके बाद एक एक बनाते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 बार मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया। अब ये 15th चेन है, 15वीं, इसमें हम दो बनाएंगे। देखिए काउंट करें, देखिए यहाँ पर बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 टाइम्स मैंने एक एक बनाया, 15th में मैंने दो बनाए। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे, 14 बार एक एक बनाएंगे और 15वीं चेन में दो बनाएंगे। 6th रो देखिए कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर एंड में, यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार मैंने लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया किया है और 6th रो कंप्लीट होने पर ये मेरे पास 94 डबल क्रोशिया हैं, 94। 3 मैंने चेन लिए, 6 इसमें इंक्रीज हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब 7th चेन में मैंने दो बनाने हैं, एक बनाया, एक और बनाएंगे। एक मैंने इंक्रीज किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 16वीं चेन में, 16th चेन में मैंने दो डबल क्रोशे किए। देखिए यहाँ पर अब इंक्रीज़ किया है, काउंट करें।
देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, इसके बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार एक एक बनाया, 16वीं चेन में 2 बनाई हैं। कंप्लीट करेंगे 15 बार, 15 टाइम्स एक एक बनाएंगे, 16वीं चेन में 16th में 2 बनाएंगे, तो 7th रो कंप्लीट हो गई। देखिए एंड में यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने अलग अलग चेन में बनाया है, शुरू में हमने 6 बार बनाया था, 1 2 3 4 5 6, तो 7th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास 100 डबल क्रोशे हैं। और यहाँ पर देखिए 6 इंक्रीज़ हो गए, 100 डबल क्रोशे हैं यहाँ पर, 3 चेन लिए। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस रो में हम कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे, जैसे कि हमने हर रो में इंक्रीज किया था, हर चेन में 1 डबल क्रोशे करते जाएंगे, 100 के ऊपर 100 पूरे डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से हमने 3rd रो से 6 6 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए हैं, 6 इस रो में, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद इंक्रीज़ किया है 3rd रो में, फिर 4th रो में 12 के बाद इंक्रीज़ किया है, 5th रो में 13 के बाद इंक्रीज़ किया है, और 6th रो में 14 के बाद इंक्रीज़ किया है, 7th रो में 15 के बाद इंक्रीज़ किया है। तो अब ये रो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गई, 100 के ऊपर मैंने 100 बनाए हैं। अब देखिए 9th रो में हम आर्म होल बनाएंगे, देखिए 1st में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 14 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 14, 14 में डबल क्रोशे बनाऊंगी, 14, और एक हमने शुरू में जो 3 की चेन ली है, तो टोटल ये 15 हो जाएंगे। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन हम स्किप करेंगे, 20, और 21st चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे, 21वीं चेन में। फ्रंट में देखिए हमने 15 रखे हैं, तो 15 का डबल होता है 30, यहाँ पर 30 डबल क्रोशे में बनाऊंगी, 30 बना लिए मैंने। काउंट करें, ये देखिए ये 5 है, 10, 15, 20, 25 और ये 30। 30 बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 20 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21वीं चेन में मैंने फिर से डबल क्रोशिया किया, तो इस साइड हमने देखिए 15 रखे हैं फ्रंट में, तो इस साइड भी ये 15 आएंगे, 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और ये 15। इस तरह से टेंथ रो स्टार्ट करेंगे। तीन हमने चेन लिए, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 प्लस 15 30 हो गए, 30 बैक साइड है 30, तो टोटल ये मेरे पास 60 डबल क्रोशिए हैं, 60। अब तीन चेन लेकर हमने वर्क को टर्न किया, फर्स्ट में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक एक बनाते जाएंगे। 10th रो देखिए कंप्लीट हो गई, 11th रो स्टार्ट करेंगे। तो 11th रो में भी हमने सेम इसी तरह से बनाना है, हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। 11th रो कंप्लीट हो गई, अब 12वीं रो स्टार्ट करेंगे। 12th यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने चोली ज्वाइन करनी है। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। अब चोली की किनारी बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसके बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे और यहीं पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए तीन है हमारे क्रोशिया के ऊपर फंदे, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर धागा लिया, तो एक जगह पर मैंने दो हाफ डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरह से धागा लेंगे, नेक्स्ट में दो बनाएंगे, एक और दो, फिर धागा लिया नेक्स्ट में। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक बना के आऊँगी। देखिए फ्रंट में 12 बार हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे पास रो थी, 12 बार हमने इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर हम टर्न लेंगे, टर्न लेने के लिए दो मैंने चेन ली यहीं पर। देखिए यहाँ लास्ट में हमने दो बार बनाया है, यहीं पर फिर से दो बार बनाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर में मैंने 4 बार बनाया है। इसके बाद धागा लेंगे, एक और दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। दो स्किप किए हैं तो दो बार यहाँ पर बनाएंगे। फिर से देखिए एक और दो यहीं पर फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से दो दो बनाते जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर फिर से हमने टर्न लेना है, टर्न लेने के लिए दो बार हमने चेन ली। देखिए लास्ट जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर दो बार बनाया है, दो बार हम और बनाएंगे, जैसे हमने दूसरी साइड 4 बार बनाया था यहाँ पर भी 4 बार बनेगा। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे दो बार, फिर देखिए यहाँ बनेगा तो कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट हो गई। देखिए लास्ट वाले में मैंने बनाया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे।
और ये शुरू वाले धागे की और एंड वाले धागे की रॉन्ग साइड हम नॉट लगा देंगे। आर्म होल की बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागा लिया, यहाँ पर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, और ये सेकंड बनाया, धागा लिया, देखिए यहाँ बनाया है, इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे। दो बार बनाया, इसके बाद देखिए एक और दो स्किप किए, फिर दो बनाएंगे, एक और दो स्किप किए, दो दो स्किप करेंगे, दो दो बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे और लास्ट में जाकर हमने देखिए यहाँ पर भी बनाना है, उसके बाद एक चेन लेकर फिर धागा काट देंगे। तो चोली देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, दोनों साइड आर्म होल के मैंने किनारी बना दी है। अब आप चोली की शेप देखिए कितनी सुंदर आई है। तो ये चोली मैंने 15 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे साथ मेजरमेंट शेयर की थी, तो उनके कहने पर ये मैंने चोली बनाई है। लेकिन जब भी आप चोली बनाएं, कान्हा जी के बड़े कान्हा जी की चोली बनाते हैं, तो आप चोली बनाकर पहले कान्हा जी को पहना के देखें, उसके बाद गेरा बनाएं अगर चोली ठीक आती है। मान लीजिए वो चोली आपको, जैसे ये मैंने 15 की बनाई है, ये आपके कान्हा जी को लूज़ आती है, तो आप मेरे चैनल से देख कर 14 नंबर की चोली बना सकते हैं। वहाँ पर 12 की है, 13 की है, 14 की है, तो उनमें से कोई भी बना सकते हैं। बस आपने चोली बना के कान्हा जी को पहना के देखनी है और उसके बाद घेरा बनाना है। और अगर आपको लेंथ इसकी कम लगे तो आप एक आध रो और बना सकते हैं, अगर ज़्यादा लगती है तो एक कम बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।